गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग इसका जो चैप्टर है दैट इज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें आइडिया देता है वेदर एक सोल्यूशन डायल्यूट है कि क्या कॉन्सेंट्रेट। सिर्फ यही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन हमें दैट इज बहुत सारी चीजों में, दैट इज पोल्यूशन कितना हो रहा है, दैट इज सॉइल का सब बेसिकली पीएच वगैरह सब कैलकुलेट करने में हमें क्या करता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिस्ट्री। अब जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये लिख के दिया है। अब जो भी कॉन्सेंट्रेशन है मेन सबसे पहले दैट इज आपको पता करना चाहिए कोई भी सोल्यूशन जो है ये बेसिकली दो चीज का बना हुआ है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन यहाँ पे एक किसका बना रहेगा दैट इज एक सॉल्यूट, एंड दूसरा यहाँ पे किसका बना रहेगा दैट इज एक सॉल्वेंट का बना हुआ रहेगा। ओके, सॉल्यूट इज बेसिकली जो चीज आप क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट इज बेसिकली जो क्या रहता है सॉल्यूशन का जो मेजर पार्ट रहता है। अब आप जरा सोचना कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज एक नींबू सिरप बना रहे हो। अब आपने क्या किया दैट इज एक इसमें दैट इज आपने क्या किया एक नींबू दैट इज क्या किया दैट इज स्क्वीज करके जूस बना। अब वो जूस आप एटलीस्ट पी सकते हो, लेकिन अगर आपने सेम चीज एक दूसरे ग्लास में 10 नींबू को पूरा स्क्वीज करके एक जूस बनाया, होगा क्या कि जब आप उसको पीने जाओगे एकदम क्या रहेगा एक सार टेस्ट आएगा। क्या हुआ यहाँ पे, आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को जैसे ही बढ़ा दिया सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आई होप ये पार्ट यहां तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। ओके, लेट्स से आपने क्या किया दैट इज आप एक बकेट भर के क्या किया पानी आपने लिया, एंड उसमें आपने क्या किया दैट इज 100 टीस्पून्स ऑफ क्या लिया दैट इज आपने क्या ऐड किया इसमें सॉल्ट। जैसे आप इतना मतलब पानी में एक बकेट भर के पानी में आप 100 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट ये करोगे, आपने अगर वो पानी को टेस्ट किया ऑफकोर्स बहुत क्या रहेगा सॉल्टी रहेगा। यही सेम चीज आप क्या करो दैट इज एक स्विमिंग पूल भर के पानी लो, यहाँ पे आप क्या करोगे दैट इज आप वही सेम 100 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालो और वही पानी को अगर आपने क्या क्या टेस्ट किया आपको नमकीन फील नहीं होगा, सॉल्टी फील नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, अगर आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो बेसिकली सोल्यूट के साथ कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्वेंट के साथ कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली क्या है प्रोपोर्शनल। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब आपने देखा रहेगा सोडा जो बॉटल्स रहता है दैट इज पेप्सी मिरांडा वगैरह, अब इसमें होता है क्या है दैट इज जो गैसेस रहता है कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने नोटिस किया रहेगा जो बंद रहता है, जब बंद रहता है तो क्या होता है प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है या बेसिकली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे आप क्या करते हो पेप्सी का बॉटल ओपन अप करते हो, होता है क्या है प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगा एस्केप करेगा, जिससे क्या होता है गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा लेस होगा। तो आई होप ये फैक्टर्स आपको क्लियर है। तो हम लोग कब बोलेंगे सोल्यूशन डाइल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट सोल्यूशन तब रहेगा जब क्या होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें रहेगा हाई अमाउंट ऑफ क्या रहेगा सॉल्वेंट के अंदर। सोल्यूट कम सॉल्वेंट क्या रहेगा ज्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड कब रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड तब रहेगा जब सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा होगा सॉल्वेंट का क्वांटिटी क्या होगा लेस होगा। ठीक है, मेन आपको क्या रहना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या दूसरा आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से। आई होप ये पार्ट यहां तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया गया कॉन्सेंट्रेशन का क्या दिया यूनिट्स, जैसे पहला क्या है ग्राम पर लीटर। इसमें सबसे पहले आपको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा, तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट आएगा किसमें ग्राम्स में, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या रहता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है। दूसरा है मोलारिटी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलारिटी जो है ये क्या रहता है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने पिछले दैट इज चैप्टर नंबर 4 में किया था, जहां पे यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज वेट ऑफ, दैट इज क्या रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें रहेगा, दैट इज ग्राम्स में, अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज आएगा मॉलिक्यूलर वेट। ये सब हमने ऑलरेडी दैट इज 4 चैप्टर में किया है। तो यहाँ पे जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तभी आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूलास मेन याद रहना चाहिए। और दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या रहेगा, इनवर्सली क्या रहेगा, प्रोपोर्शन। और सबसे मेन चीज, कैसे हम लोग क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक कन्वर्जन क्या रहता है, 1 लीटर रहता है 1000 मिलीलीटर। हमें यहाँ पे कितना लीटर है पता नहीं है, तो मैं इसको क्या लूंगा, एक्स। एक्स लीटर्स इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, 100 ml। क्या लूंगा, दोनों का रेशियो 1/x इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, 1000 / क्या होगा, 100। दोनों रेशियोज को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पे x/1 इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, 100 / क्या होगा, 1000, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, 0.1 लीटर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 350 ml कितना लीटर है हमें पता नहीं है, सेम चीज 1 लीटर 1000 ml है। तो यहाँ पे हम लोग को लीटर्स कितना है पता नहीं, तो मैंने इसको क्या लिया, x इक्वल्स टू 350 ml, 1/x इक्वल्स क्या रहेगा, 1000/350। दोनों रेशियोज को हमने क्या किया यहाँ पे उल्टा, तो यहाँ पे x/1 इक्वल्स क्या रहेगा, 350/1000। दो जीरोस कैंसिल आउट होगा, डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आएगा, 2 प्लेसेस के बाद, इसलिए आंसर क्या रहेगा, 0.35। दो एग्जाम्पल्स हम लोग ट्राई करते। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इज दैट इज आपको कन्वर्ट करना, दैट इज 875 ml कितना लीटर, ये आपको पता नहीं, तो इसको क्या लेंगे, एक्स। 1 लीटर जो रहता है इट इज कितना, 1000 क्या होगा, ml। यहाँ पे एक्स लीटर्स किसमें रहेगा, दैट इज 850 क्या होगा, ml। तो यहाँ पे सेम 1/, यहाँ पे होगा x, ये यहाँ पे होगा 1000/, यहाँ पे होगा 850। दोनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो x/1 इक्वल्स यहाँ पे होगा 850/, यहाँ पे होगा 1000। 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आएंगे, 2 प्लेसेस। वो 2 प्लेसेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, 0.85। तो दैट इज आप बोल सकते 875 ml यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज मेरा गलती हो, यहाँ पे 875 होगा, फिर भी 875 आने चाहिए, जस्ट एक सेकेंड, इधर आएगा 875 आने वाला है। तो यहाँ पे होगा 1/x इक्वल्स यहाँ पे रहेगा 1000/ क्या होगा, 875। यहाँ पे होगा x/1 इक्वल्स यहाँ पे होगा 875/, यहाँ पे क्या होगा, 1000। नेक्स्ट इज यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आने चाहिए, 3 प्लेसेस आएंगे, क्योंकि 3 0 है इसीलिए 3 प्लेसेस। ये 3 प्लेसेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, 8 7 और क्या, 5। तो बेसिकली 875 ml इज कितना, 0.875 लीटर्स। सिमिलरली यहाँ पे 8375 ml दिया है। 1 लीटर हमें पता है इट इज कितना, 1000 क्या है, ml। तो x लीटर्स यहाँ पे कितना, दैट इज 8375 ml का। वापस सेम 1/x इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, 1000/, यहाँ पे क्या होगा, 8375। दोनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, x/1 इक्वल्स यहाँ पे रहेगा 8375/, इधर क्या होगा, दैट इज 1000। यहाँ पे डेसिमल क्या, कितना प्लेसेस आएगा, 3 प्लेसेस आएगा, ये कौन ऑक्यूपाई करेगा, 3 7 और क्या, 5। जो एक जो डिजिट है यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना रहेगा, 8.375, यहाँ पे क्या होगा, लीटर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोई भी एसिड या बेस उसका स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाता है, वो हम लोग क्या करते, एक स्केल के थ्रू क्या करते, मेजर करते। एंड ये स्केल का नाम, इट इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो रेंज है,
इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड्स अप टिल कितना? 14. ओके, ये पीएच जो है ये इसका फुल फॉर्म जो है, यहाँ पे पी स्टैंड फॉर पोटेंस. पोटेंस मतलब क्या रहेगा? दैट इज स्ट्रेंथ रहता है. कौन से आयंस का? पी एच. एच मतलब कौन सा आयंस का? एच प्लस. तो यहां पे सबसे पहले जो पीएच रहता है ये इसका मतलब क्या? दैट इज पोटेंस या स्ट्रेंथ ऑफ क्या है? हाइड्रोजन आयंस. ओके, ये जो स्केल है 0 से 14 जाता है, जहां पे 0 इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्गली क्या रहेगा? एसिडिक. 7 इंडिकेट करेगा कि वो न्यूट्रल है. 14 इंडिकेट करेगा कि वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गली क्या रहेगा? बेसिक. अब आपके दिमाग में ऐसे एक डाउट आ सकता है कि अगर ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन मेजर कर रहा है, सो इसका मतलब क्या रहना चाहिए? जो 14 रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा? कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक रहना चाहिए, क्योंकि 14 क्या इंडिकेट करेगा? कि एच प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाईएस्ट है. ओके, तो ये डाउट आपका क्लियर करने के लिए, ये होता है क्यों है? इसके फॉर्मूला की वजह से. यहाँ पे साइन क्या होता है? माइनस. माइनस क्या करता है? जो भी लॉजिक है उसको उल्टा कर देता है. इसका मतलब क्या रहेगा? एक्चुअल में जो पीएच है, जो पीएच स्केल है, वहां पे वो 14 नहीं है एग्जैक्टली, वो क्या है? -14 है. सेम चीज जो स्केल है वहां पे क्या रहेगा? दैट इज 0 रहेगा. तो ऑफकोर्स अभी कंपैरिजन करोगे तो आपको समझेगा -14 ऑफकोर्स छोटा वैल्यू है. तो इसका मतलब क्या रहेगा? जो एसिड का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा ये सबसे क्या रहेगा? लोवेस्ट रहेगा. कितने पे? -14. एंड 0, 0 पे क्या रहेगा? एसिड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? सबसे क्या रहेगा? हाईएस्ट. आई एक्सप्लेन अगेन, ध्यान से सुनना. देखो, जो ये जो स्केल है दिस इज इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन. तो इसका मतलब 14 का मीनिंग क्या रहेगा? सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेगा. लेकिन क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला में एक माइनस साइन आता है. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट एग्जैक्टली 14, इट इज एग्जैक्टली -14 है. अब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या नोटिस होगा? -14 सबसे छोटा वैल्यू है. छोटा वैल्यू रहेगा तो जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगा? सबसे लेस रहेगा. और 0, 0 क्या रहेगा? सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा. इसका मतलब एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगा? हाईएस्ट रहेगा. ओके, पीएच अगर 0 से लेके less than 7 तक जो वैल्यूज रहता है वो सॉल्यूशंस को एसिडिक सॉल्यूशंस बोला जाता है. पीएच जिसका वैल्यू 7 से ज्यादा, वहां से लेके 14 तक रहता है, वो बेसिक सॉल्यूशंस रहता है. पीएच जिसका वैल्यू क्या रहता है? 7, ये किसमें काउंट किया जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशंस में. अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे? तो सबसे फर्स्ट जो है हमारे बॉडी में होता है. तो बॉडी में कैसे? हमारा जो ब्लड रहता है उसका पीएच रहता है 7.4. अब अगर आपका पीएच 7.5, 7.3 हो गया, आपका क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है. अब ये पीएच 7.4 मेंटेन क्यों किया है? क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस है जो ये वाले पीएच पे एकदम प्रॉपरली चल जाता है. इवन आपके स्टमक में भी. स्टमक में क्या होता है? एक एंजाइम है जिसका नाम क्या? दैट इज पेप्सिन. ये पेप्सिन कब चलता है? जब आपका पीएच कितना रहता है? 1. और ये पीएच 1 मेंटेन करने के लिए आपके स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका नाम है एचसीएल. दूसरा, ये किस में यूज होता है? एग्रीकल्चर में. अब सपोज लेट से हमारा सॉइल, इसका पीएच क्या? दैट इज लेस देन क्या? लेट से 5 है. तो होगा क्या जब आप इसमें ऐड करोगे? क्या फर्टिलाइजर ऐड करोगे? तो फर्टिलाइजर ऐड करने की वजह से, फर्टिलाइजर तो क्या है? बेस है. बेस क्या करेगा? जो एसिडिक सॉइल है उसके साथ मिक्स होके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा. प्रॉब्लम क्या होगा? जो बेस प्लांट्स को लगना चाहिए वो कौन अब्सॉर्ब करेगा उसको? पूरा सॉइल अब्सॉर्ब करेगा. तो इसीलिए सॉइल में पीएच जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ये कहाँ पे यूज होता है? इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं. बहुत सारे इंडस्ट्रीज दैट इज ये जो एसिड्स है इसको यूज करते हैं. एंड दूसरा कहाँ पे यूज होता है? मेडिसिन बनाने के लिए क्या करते हैं? ये पीएच को जानना बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे आपके टेस्ट बुक में दैट इज जब वाटर डिसोशिएट होता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? H2O इन लिक्विड स्टेट रहता है. H2O किस में डिसोशिएट होगा? H+ एंड OH-.
लेकिन जो H प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये मैं आपको वैल्यू समझाता हूं। यहाँ पे लेट से आपके पास क्या है, वन फॉलोड बाय कितना है, सेवन, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे क्या दैट इज वाटर रहेगा। तो इसमें से सिर्फ आपका एक क्या होगा, H प्लस में डिसोशिएट होगा, एक आपका यहाँ पे OH माइनस का डिसोशिएट होगा, आउट ऑफ दैट इज अराउंड इतने मॉलिक्यूल्स में कितना डिसोशिएट होता है, सिर्फ एक। तो आप समझ सकते हो पानी का अगर आप एक मोलार सॉल्यूशन लोगे तो उसमें कितना रहने वाला है, 1 × 10⁻⁷ H+ मिलेगा, एंड यहाँ पे 1 × 10⁻⁷ आपको क्या मिलेगा, OH-, इंडिकेटिंग जो वाटर है ये क्या, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने लेट से यहाँ पे pH कैलकुलेट किया, तो इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, -log10 ऑफ H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷। आप फिलहाल तो ये लॉग को भूल जाओ, मतलब इसको याद ही मत करो, आप बस क्या याद रखना, यहाँ पे होता है क्या, -of -7 होगा, तो pH ऑफ वाटर जो है ये कितना रहता है, 7, विच इंडिकेट्स ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, अगर मैंने क्या ऐड किया, 1 मोलार HCl ऐड किया, अब इससे क्या होगा, जो H+ आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना बन जाएगा, 1 मोलार, विच इज 10⁻⁰। आप बस ये 10⁻⁰ वाला पार्ट आप क्या करो, याद करना। पीएच के फॉर्मूला में क्या होगा, सेम, -log10 of 10⁻⁰। आपको ये log10 of 10⁻⁰ याद करना है क्या, नहीं, आपको बस फोकस किसमें करना है, -of 0। -of 0 कितना होगा, 0, मतलब HCl का जो पीएच रहेगा ये कितना है, दैट इज 0, इंडिकेटिंग ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली क्या होगा, एसिडिक। जब हम लोग 1 मोलार NaOH ऐड करते तो इसमें जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है ये कितना आएगा, ये आपको याद करना है, 1 × 10⁻¹⁴ होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -log10 of 10, 10⁻⁴ यहाँ पे होगा -14। यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या देना है, -of -14 होगा, विच इज पीएच कितना होगा यहाँ पे, 14, इंडिकेटिंग ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली क्या होगा, बेसिक क्या रहेगा नेचर में। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जब आप 1 मोलार ऑफ वाटर लेते हो, इसमें H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷, OH- का कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ रहेगा, इंडिकेटिंग H+ एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दूसरा, एक दैट इज करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में एक आपको H+, एक आपको OH- मिल रहा है, इंडिकेटिंग इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते, आप क्या याद रखोगे, -of -7 कितना होगा, +7, यहाँ पे भी सेम, -of -7 कितना होगा, +7, जो पीएच है क्लीन वॉटर या 1 मोलार ऑफ वाटर का कितना है, 7। जब आप 1 मोलार HCl ऐड करते हो, इसमें जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो कितना रहता है, दैट इज 10⁻⁰। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, पीएच कितना होगा, 0, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। व्हेन वी ऐड 1 मोलार NaOH, इसमें H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 × 10⁻⁴, -of -14 कितना होगा, +14, इंडिकेटिंग ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक रहेगा। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हमें समझना है कोई मतलब चीज एसिड है या बेस है, तो ये हमें पहचानने या पहचानने में कौन हेल्प करता है, इंडिकेटर्स। अब जैसे आपने दैट इज स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है एक इंडिकेटर जिसका नाम यहाँ पे क्या था, दैट इज लिटमस। अब लिटमस का स्पेशलिटी क्या है, जो रेड लिटमस है ये क्या करता है, दैट इज जैसे बेस में इसको डालते ये चेंज होगा ब्लू में, लेके दूसरा जो ब्लू लिटमस है वो चेंज होगा किस में, रेड में, जैसे इसको किस में डालेंगे, एसिड में। अब ये तो हमें हेल्प करता है पहचानने में एसिड है या बेस है, लेकिन अगर हमें पहचानना है कि ये स्ट्रॉन्गली एसिड है या वीक एसिड है, तो इसीलिए हम लोग यूज क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स का बना हुआ है, सबसे पहला। दूसरा, ये क्या शो करता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर चेंजेस शो करता है। ये कलर चेंजेस हमें स्पेसिफिकली हेल्प करता है पहचानने में वेदर वो स्ट्रॉन्गली एसिड है, वीकली एसिडिक है, न्यूट्रल है,
या फिर बोल सकते हैं वीकली बेसिक है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो रहा है। रेड कलर ये बताने में हेल्प करेगा कि ये पीएच क्या रहेगा, लेस देन क्या रहेगा 3, इंडिकेटिंग ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली क्या होगा एसिडिक। ऑरेंज या येलो कलर जो रहेगा ये इंडिकेट करने में हेल्प करेगा पीएच कितना है 3 to 6, विच इंडिकेट्स इट इज वीकली एसिडिक। ग्रीन कलर इंडिकेट करने में हेल्प करेगा पीएच 7 है, विच इज ये क्या रहेगा न्यूट्रल। अगर क्या रहेगा दैट इज ब्लू कलर होगा तो ये इंडिकेट करने में हेल्प करेगा कि पीएच क्या रहेगा 8 to क्या रहेगा 11, विच इज वीकली बेसिक। और अगर क्या रहेगा वायलेट या डार्क ब्लू कलर होगा तो इसका मतलब पीएच क्या है ग्रेटर देन 11, इंडिकेटिंग इट इज स्ट्रॉन्गली क्या है बेसिक। एग्जैक्ट जो पीएच है उसको मेजर करने के लिए आप एक डिवाइस यूज करते हो जिसको आप बोलते हो पीएच मीटर करके। ये आपको हेल्प करता है बताने में एग्जैक्ट कितने एच प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर। आई होप ये पार्ट यहां तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्या रिएक्शन ऑफ क्या एसिड्स एंड बेसिस। लो डिसोसिएशन का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था ऊपर के जो तीन जो एग्जाम्पल्स है ये किसका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जहाँ पे एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड्स हमने स्टैंडर्ड 8 में किया है कि कैसे टाइप का ऑक्साइड्स रहेगा, ये रहेगा बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट एंड क्या बनने वाला है वाटर। सेम गोज जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहेगा ये क्या रहेगा दैट इज एसिडिक रहने वाला है, किसमें नेचर में, एंड ये जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है सॉल्ट एंड क्या बनेगा वाटर। ठीक है, तो ये जो ऊपर के हमने तीनों एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये किसके एग्जाम्पल्स है, न्यूट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज मेटल्स को जब हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते तो हमें क्या मिलता है सॉल्ट एंड कौन सा गैस मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इसलिए जनरल रिएक्शन जो है आपको ये पता रहना चाहिए, हाई हार्ट रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स करते मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा लेकिन ये आपको पूरा जो है स्टार्टिंग ये याद रहना चाहिए। मेटल कार्बोनेट जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे क्या बनता है वाटर। एंड लास्ट मेटल बाइकार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या मिलेगा H2O मिलेगा। तो ये जनरल रिएक्शन है जो आपको क्या रहना चाहिए बाय हार्ट रहना चाहिए। फिर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई भी रिएक्शन लिखते वक्त सॉल्ट्स जब क्या रहते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब लेफ्ट साइड पे रहेगा तो उसको आप बताओगे किसमें, दैट इज वो सॉलिड स्टेट में है। सॉल्ट जब किसमें रहेगा प्रोडक्ट के साइड में मतलब राइट साइड में, तब आप साइड में ऐसे AQ करके क्या करोगे मेंशन करोगे। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन गैसीय स्टेट में रहता है उसको आप साइड में आइदर G लिख के मेंशन कर सकते हो या अपवर्ड एरो डाल के आप मेंशन कर सकते हो। मेटल्स मेटल ऑक्साइड जो रहता है कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे कि सोडियम मेटल है सॉलिड स्टेट, आयन मेटल है सॉलिड स्टेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड रहेगा सॉलिड स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोनेट आयन्स हमेशा किस में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेम चीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी किस में होता है दैट इज कार्बोनेट, दोनों होता है। सेम H2CO3 जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दैट इज हाई प्रेशर पे बनता है। तो H2CO3 जब बनेगा वो किस में डिसोशिएट होगा वाटर एंड CO2 में। आपको ये याद कैसे करना है, जैसे आप पेप्सी का बॉटल खोलते हो क्या होता है जो गैस एस्केप करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिमेनिंग जो वाटर है वो किसका काम करेगा H2। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं ये रिएक्शंस को कैसे हम लोग दैट इज सॉल्व करेंगे वो पार्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हमें क्या दिया दैट इज सब रिएक्शंस में लिख के रखते, एक आपको दिया HNO3 ऊपर मेंशनड है एसिड प्लस बेस है करके, यहाँ पे हमें ये बेस को गेस करना है। यहाँ पे हमें सॉल्ट दिया है इट इज क्या है KNO3 एंड यहाँ पे तो ऑफकोर्स वाटर रहेगा तो क्या आने वाला है H2O। हम लोग क्या करेंगे ना पेंसिल से आप क्या करना सारे जो आयन्स है इसको क्या करो दैट इज डिसोशिएट करके रखो,
यहाँ पे क्या रहेगा एच एन एच प्लस एनओ थ्री माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा के प्लस एनओ थ्री क्या होगा माइनस, इधर यहाँ पे आएगा एच प्लस और इधर क्या होगा ओ एच माइनस। सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे एच प्लस एनओ थ्री माइनस ऑलरेडी क्या हो गया यहाँ पे कंबाइन हुआ है। यहाँ पे आपको पता भी है जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट के साथ क्या होगा कंबाइन, ये तो ऑलरेडी यूज हो गया है। बचा कौन सा पार्ट, यहाँ पे के प्लस किसके कंबाइन होगा ओ एच माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा के ओ एच बनने वाला है। क्योंकि ये कैसे बनेगा, यहाँ पे रहेगा के प्लस किसके कंबाइन होगा ओ एच माइनस के साथ। ऐसे यहाँ पे ये पहचानने को बोला है हमें, यहाँ पे क्या दिया दैट इज एन एच फोर क्या है ओ एच, कौन से दो आयन रहेंगे, एक रहेगा यहाँ पे एन एच फोर प्लस, दूसरा यहाँ पे रहेगा ओ एच माइनस। एक से ये मिल रहा है तो दो एन एच फोर से हमें क्या मिलेगा दो एन एच फोर प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा दो ओ एच क्या मिलेगा माइनस। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक्चुअल में बन क्या रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है एन एच फोर, यहाँ पे कितना दिया है ट्वाइस एस ओ फोर दिया है, और दूसरा तो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है वाटर, तो यहाँ पे क्या रहेगा एच टू ओ। तो यहाँ पे कौन से दो आयन्स है, एक है एन एच फोर प्लस, कितने आयन्स है दो आयन्स है, दूसरा जो आयन है ये क्या है एस ओ फोर टू माइनस। एच टू ओ जो है किसमें डिसोशिएट होता है एच प्लस और किसमें ओ एच माइनस में। ओके अब होगा क्या, यहाँ पे ऑलरेडी आप नोटिस कर सकते हो ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हुआ है, एच प्लस फिर किसके कंबाइन होगा एसओ फोर के साथ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच प्लस कंबाइन हो रहा है एसओ फोर टू माइनस के साथ। टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे टू है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होना चाहिए टू पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बनेगा ये बनने वाला है एच टू एसओ फोर। आते लास्ट वाले पार्ट पे, यहाँ पे क्या दिया है के ओ एच करके दिया है, के ओ एच हमें पता है कौन से दो आयन्स रहेंगे, एक यहाँ पे रहेगा के प्लस दूसरा यहाँ पे रहने वाला है ओ एच माइनस। ओके यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है के बी आर, के बी आर जो रहेगा एक रहने वाला है के प्लस दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा बी आर माइनस, एंड ऑफकोर्स इधर क्या रहने वाला है वॉटर, तो यहाँ पे क्या रहेगा एच प्लस इधर क्या होगा ओ एच माइनस। यहाँ पे के प्लस ओ एच माइनस का कंबाइन हुआ है तो यहाँ पे कौन कंबाइन होगा, इधर कंबाइन होगा एच प्लस किसके साथ बी आर माइनस के साथ, यहाँ पे फॉर्म होगा एच बी आर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स ये आप नोट करके चाहे तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जनरली जो भी मेटल ऑक्साइड्स रहेंगे ये क्या होगा दैट इज ये रहने वाला बेसिक ऑक्साइड्स रहेगा, मतलब दीज विल ओनली रिएक्ट विथ किसके साथ एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करके यहाँ पे क्या बनाएगा सॉल्ट एंड क्या बनाएगा वाटर। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स ये अगर किसके साथ रिएक्ट किया बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं होगा यहाँ पे। ओके तो इसका एक और एक है जस्ट ध्यान में रखना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है दैट इज जिंक ऑक्साइड Al2O3 एंड दूसरा क्या है Fe3O4, ये जो ऑक्साइड्स है इनको हम लोग क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब आपने ये वर्ड एम्फीबियन सुना है, फ्रॉक्स को एम्फीबियंस बोला जाता है, द रीजन बींग इट पानी में रहता है एज वेल एज लैंड पे रहता है। अब ये ऑक्साइड्स का स्पेशलिटी क्या है, अगर आपने क्या किया जिंक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया सो इट विल ऑल्सो गिव सॉल्ट एंड वॉटर, जो मेटल ऑक्साइड का जनरल प्रॉपर्टी है जहाँ पे जेड एन ओ इज एक्टिंग एज अ बेस। अब मेटल ऑक्साइड्स को जब हम लोग क्या करते बेस के साथ रिएक्ट करते तो ये नो रिएक्शन शो करता है, लेकिन जिंक ऑक्साइड बींग एम्फोटेरिक इन नेचर इट विल बिहेव लाइक एन एसिड टू फॉर्म अगेन यहाँ पे क्या सॉल्ट एंड क्या फॉर्म होगा वॉटर फॉर्म होगा। तो ये टाइप के ऑक्साइड्स जो रहते हैं दीज रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, दीज आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स
रीजन बींग ये क्या करता है, बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर दोनों क्या करता है, शो करता है। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली, आपको क्लियर है करके। ओके यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया और यहाँ पे दिया गया 2HCl। सबसे पहले 2 नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ HCl लिखते हैं। यहाँ पे कौन से दो आयन है, एक यहाँ पे जो रहने वाला है इट विल बी क्या CH2+, दूसरा यहाँ पे जो रहने वाला है ये रहेगा O2-। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा H+, यहाँ पे क्या रहने वाला है Cl-। आपको मालूम है पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा Ca2+ कंबाइन होगा Cl- के साथ। कितना पॉजिटिव चार्ज है, दो, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना चाहिए, दो चाहिए बैलेंस ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे बनेगा CaCl, क्या बनने वाला है 2। H+ किसके कंबाइन होगा O2- के साथ। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, दो, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे कितना होना चाहिए, दो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इधर फॉर्म होगा H2O। आई होप ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक। फिर आते नेक्स्ट पार्ट में, इधर दिया गया MgO, यहाँ पे हमें पता नहीं है। इधर यहाँ पे क्या दिया MgCl2 प्लस यहाँ पे क्या दिए H2O। यहाँ पे आयंस कौन कौन रहेंगे, एक रहेगा Mg2+, दूसरा रहेगा O2-। यहाँ पे क्या यहाँ पे जो आयन रहेगा, एक इधर रहेगा मैग्नीशियम, यहाँ पे कौन सा आयन है क्लोराइड आयन, कितना क्लोराइड आयन है दो। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज H+ रहेगा, एंड दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज O2 क्या रहेगा माइनस। ठीक है, आप चाहिए तो इसको OH- भी लिख सकते हो, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, एज यूजुअल मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड ये दोनों कंबाइन होके क्या बना MgO, तो बचा कौन यहाँ पे H+ और Cl-, ये कंबाइन होके यहाँ पे बनेगा क्या HCl बनेगा। ठीक है, आई होप पार्ट क्लियर है। यहाँ पे क्या बनेगा HCl बनेगा। अब आते इसका बैलेंसिंग के पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, जो क्लोरीन है ये कितना एक है, इधर क्लोरीन कितना है दो है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। स्टिल आपको नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो 2H+ किसके कंबाइन होगा 2Cl- के साथ, और यहाँ पे क्या बनेगा 2HCl। सिमिलरली यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो हाइड्रोजन कितना है 2, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो ये भी यहाँ पे 2 होगा। 2H+ और 2Cl- क्या बनाएगा 2HCl। दूसरा तरीका पहचानने का, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना था 1 था, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया 2 से किया। नेक्स्ट यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बनेगा Zn2+, और इधर जो रहने वाला है O2-, यहाँ पे कौन है दैट इज HCl, यहाँ पे कौन रहेगा H+, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा Cl-। एज यूजुअल पॉजिटिव किसके जाएगा नेगेटिव के साथ, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2, टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा 2, यहाँ पे क्या होगा Zn, इधर क्या होगा Cl2। नेक्स्ट H+ किसके कंबाइन होगा O- के साथ, यहाँ पे होगा H+, यहाँ पे होगा O2-, टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2O बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे Al2O3 प्लस यहाँ पे क्या दिया है दैट इज HF। ओके, सेम चीज यहाँ पे कौन से आयन है, एक है यहाँ पे एल्यूमिनियम, चार्ज कितना है यहाँ पे 3+ रहता है एल्यूमिनियम का, कितने आयन है 2 आयन है। दूसरा यहाँ पे क्या है ऑक्साइड, ऑक्साइड का चार्ज 2-, कितने आयन है टोटल 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा H+, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा F-। ओके, अब आपको मालूम है कौन किसका कंबाइन होने वाला है,
सबसे पहले एल्यूमिनियम किसके कंबाइन होगा फ्लोरीन के साथ, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना था 3+, फ्लोरीन कितना है माइनस, कितना यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ज 3+, फ्लोरीन का चार्ज यहाँ पे रहना चाहिए 3-, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा AlF3। H+ किसका कंबाइन होगा O2-, तो यहाँ पे होगा H+, दूसरा आएगा यहाँ पे O2-। अगर कोई नंबर्स कंफ्यूज कर रहा रहेगा तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा ये करता हूँ, एलिमिनेट करके रखता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। तो यहाँ पे नंबर को फिलहाल तो इग्नोर करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज इधर क्या होगा, दैट इज H2 होएगा। चलो अब बैलेंस करते, अब इधर फ्लोरीन कितना है क्लियरली नोटिस हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, पहले मेटल से स्टार्ट करना ठीक है, एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। ओके, एल्यूमिनियम क्या नॉन मेटल्स को करो, नॉन मेटल्स कौन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन, पहले फ्लोरीन से स्टार्ट करना, फ्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे फ्लोरीन कितना है 2, 3 जा कितना होगा टोटल 6, इससे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 से। नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, इधर हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितना है 2, इसके लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। यहाँ पे भी स्टार्ट किसे करोगे, दैट इज मेटल से, जिंक कितना है 1, यहाँ पे भी जिंक कितना है 1। नेक्स्ट आपको नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, इसके इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ हो जाएगा। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो वापस जस्ट वीडियो को रिवाइंड करके जरा वापस देख लेना। ओके, टाइप सी के रिएक्शंस ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है CO2 प्लस यहाँ पे क्या, दैट इज 2NaOH। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, ये CO2 तो आपको CO2 रहेगा, इधर कुछ नहीं होगा। ये जो NaOH है ये किस में स्प्लिट होगा, Na+ और यहाँ पे क्या रहेगा OH-। अब होता क्या है, जो OH- रहता है ये क्या करता है, सेल्फ आयोनाइज करता है। सेल्फ आयोनाइज का मतलब इधर क्या होगा OH- किसका कंबाइन होगा OH- के साथ, यहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज H2O। 2 हाइड्रोजन यूज हो गया, 1 ऑक्सीजन यूज हो गया, क्या बच रहा है यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन बच रहा है, जो कौन सा आयन है, ऑक्साइड आयन है, इसका चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा 2-। ये जो 2- है ये किसका कंबाइन होगा, यहाँ पे CO2 के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा स्टेप 2 में। यहाँ पे CO2 ये क्या करेगा, दैट इज O2- के साथ कंबाइन होगा। पहले कितना कार्बन था 1, ऑक्सीजन कितना था 2, एक और ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पे क्या होगा CO3, चार्ज कितना रहेगा इसका CO3-। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि ये Na+ किसके अटैक करेगा, दैट इज CO3 2- के साथ अटैक करेगा। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था H2O, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा H2O। दूसरा कौन से 2 आयन्स है, एक यहाँ पे क्या Na+, दूसरा यहाँ पे क्या CO3, कितना रहेगा दैट इज 2-। टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना रहेगा 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा Na2 और इधर क्या आएगा दैट इज CO3। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है, अगर क्लियर नहीं तो एक और एक एग्जाम्पल कराता हूं। यहाँ पे सेम क्या रहेगा, दैट इज CO2 किसके रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे KOH के साथ, सेम चीज होगा। सबसे पहले स्टेप में ये CO2 तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो KOH है ये किस में डिसोशिएट होगा, K+ एंड OH- में। ये OH- यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ आयनाइज होगा। ओके, अभी सेल्फ आयनाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, दैट इज वाटर। एक जो ऑक्सीजन है ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड, तो जो ऑक्साइड है वो कंबाइन होगा किसके साथ, CO2 के साथ,
तो यहाँ पे ये बन जाएगा CO2 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्साइड, ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है दैट इज CO3। ठीक है, तीन ऑक्सीजन होगा, इसके ऊपर चार्ज जो रहेगा ये क्या होगा 2-। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या होगा, जो K+ है ये किसके साथ इधर अटैक करेगा, CO3 2- को अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होने वाला है, पहले तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या फॉर्म होगा वॉटर, यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्म होगा K+ किसके कंबाइन होगा CO3 2- के साथ, टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे कितना रहना चाहिए 2। यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये फॉर्म होगा K2CO3। आई होप ये पार्ट यहाँ तक अभी आपको प्रॉपरली क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट दैट इज SO3 दिया है, ये किसके रिएक्ट करेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH के साथ। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे सेम चीज होगा, तो इधर सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा SO3, तो SO3 गैस रहेगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें Na+, और यहाँ पे क्या होगा OH-। तो यहाँ पे जो OH- है ये क्या होगा ऑटो आयनाइज होगा, एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होगा वाटर, एंड यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्साइड आयन, जो ऑक्साइड आयन है वो क्या होगा दैट इज SO3 के साथ यहाँ पे क्या होगा कंबाइन होगा। ओके, एंड यहाँ पे जो फॉर्म होगा, पहले एक एस था, तीन ऑक्सीजन था, अब कितना ऑक्सीजन होगा यहाँ पे चार, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा 2-। आपको मालूम है ये जो SO4 है ये किसका कंबाइन होगा Na+ के साथ यहाँ पे क्या होगा कंबाइन होगा, तो यहाँ पे ये बनने वाला है Na+, इधर क्या होगा SO4 2-। टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना होगा 2, ये यहाँ पे बनेगा Na2SO क्या होगा 4। नेक्स्ट आपको मालूम है ये तो वाटर एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा H2O। अब बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ मेटल, तो मेटल यहाँ पे कौन है सोडियम, इधर सोडियम कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है 2, सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। नेक्स्ट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कौन है सल्फर, सल्फर इधर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, इधर भी कितना है 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है मतलब ऑक्सीजन भी क्या होगा बैलेंस्ड होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप मेटल से स्टार्ट करो, पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कौन है कार्बन, यहाँ पे नॉन मेटल क्या है कार्बन, दोनों एक एक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, या 2 1s, इधर भी कितना है 2, दोनों साइड पे क्या 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने की वजह से ये क्या रहेगा बैलेंस्ड रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जो एग्जांपल दिया है इट इज गिवन एस मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे क्या दिया है HCl। ओके, मैग्नीशियम एज इट इज रहेगा, जो HCl है ये किस में डिसोशिएट होता है H+ एंड किस में Cl- में, तो होगा क्या यहाँ पे H+ जैसे पहले हुआ था, यहाँ पे भी H+ जो है ये क्या होगा सेल्फ आयनाइज होगा यहाँ पे, एंड सेल्फ आयनाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा H2 क्या होगा फॉर्म। अब ये जो H+ है कितना पॉजिटिव चार्ज देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज देगा, किसको ये 2 पॉजिटिव चार्ज देने वाला है, ये देगा मैग्नीशियम को, इसे यहाँ पे फॉर्म होगा Mg2+ क्या होगा फॉर्म होगा। ओके, देन यहाँ पे क्या होने वाला है मैग्नीशियम कंबाइन होगा किसके साथ क्लोरीन के साथ, एंड यहाँ पे सबसे तो पहला जो बनेगा ये बनेगा MgCl, Mg का चार्ज 2 पॉजिटिव, Cl का चार्ज -1, तो यहाँ पे होगा Mg2Cl, या बेसिकली इसको हम लोग ले सकते हैं MgCl यहाँ पे क्या होगा 2, और दूसरा तो यहाँ पे क्या रहने वाला है H2, तो यहाँ पे जो गैस रहने वाला है ये
ये कौन सा गैस रहेगा? H2 गैस रहेगा। नेक्स्ट आते इधर, सेकेंड जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या दिया गया? जिंक। किसके यहाँ रिएक्ट है? तो यहाँ पे दैट इज दिया नहीं, तो मैं आपको जस्ट लिख के रखता हूँ H2SO4 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जिंक ऑफकोर्स जिंक ही रहेगा। यहाँ पे एक जो आयन रहेगा ये रहेगा H+, दूसरा यहाँ पे रहेगा SO4-। ओके, अब होगा क्या, वो नंबर वगैरह आपको डालना है तो डालो, वो आपके ऊपर है, डालना है तो डाल सकते हो। H+ जो है ये क्या होगा, सेल्फ आयनाइज होगा यहाँ पे, एंड सेल्फ आयनाइज होने की वजह से ये कन्वर्ट होगा H2 में। यहाँ पे तो ऑफकोर्स एक जो प्रोडक्ट रहेगा वो तो क्या रहने वाला है, H2 गैस रहेगा। ये क्या करेगा, ये दो पॉजिटिव चार्ज ये किसको देगा, दैट इज जिंक को देगा। तो जिंक यहाँ पे कन्वर्ट होगा Zn2+ में। तो यहाँ पे अभी आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो Zn2+ से ये कंबाइन होगा SO4-2- के साथ, एंड यहाँ पे जो बनने वाला है ये बनेगा ZnSO4। ये कैसे बनता है वो भी समझाता हूँ यहाँ पे। ओके, ये दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ होके यहाँ पे क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है। नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे, इधर भी दिया नहीं तो मैं आपके लिए लिख के देता हूँ, कॉपर किसके रिएक्ट कर रहा है, HNO3 के साथ। ओके, यहाँ पे सेम चीज, कॉपर कॉपर ही रहेगा, HNO3। यहाँ पे आयंस क्या रहेगा, एक H+ रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहने वाला है NO3 क्या रहेगा, माइनस। यहाँ पे होगा क्या, जो H+ है ये क्या होगा, सेल्फ आयनाइज होगा H+, और यहाँ पे रहेगा H+। कंबाइन किस में होगा, हाइड्रोजन गैस में। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। ये दो पॉजिटिव चार्ज किसको देगा, ये कॉपर को जनरेट करके देगा, तो यहाँ पे बनेगा Cu2+। एंड ये जो Cu2+ है ये कंबाइन होगा किसके साथ, NO3 के साथ, तो यहाँ पे बनने वाला है Cu, NO क्या बनेगा, 3। ओके, यहाँ पे Cu कितना है, दो पॉजिटिव, NO3 कितना है, एक नेगेटिव। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, Cu NO3 क्या होगा, ट्वाइस। अब यहाँ पे ये बैलेंसिंग कैसे करते, तो हमेशा यू हैव टू बिगिन विथ द मेटल। तो मेटल यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम। यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, दोनों कितना है, एक। क्लोरीन इस केस में नॉन मेटल है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो। इसीलिए हम लोग इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करते किससे, 2 से करते। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। नेक्स्ट ओवर ईयर जिंक कितना है, एक। यहाँ पे भी जिंक कितना है, एक। नेक्स्ट है नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कौन है, सल्फर कितना है, एक। यहाँ पे भी सल्फर कितना है, एक। हाइड्रोजन इधर कितना है, दो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2। तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन करो मेटल से, कॉपर यहाँ पे एक है, यहाँ पे कॉपर कितना है, एक। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कौन है, सल्फर सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर कितना है, एक। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, एक, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। तो ओवरऑल पूरा रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब आते नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे क्या दिया, सोडियम कार्बोनेट किसके रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, HCl के साथ। ओके, सेम चीज यहाँ पे, क्वाइट इजी रिएक्शन है। इधर कौन सा आयन रहेगा, Na+। कितना है आपको मेंशन करना है, आप कर सकते हो, मैं फिलहाल तो नहीं कर रहा हूं। इधर आएगा CO3-2-। यहाँ पे क्या रहने वाला है, H+, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, Cl-। Na+ किसके जाएगा, Cl- के साथ, इधर बनेगा NaCl। H+ किसके कंबाइन होगा, CO3- के साथ, यहाँ पे फॉर्म होगा, मैं इधर लिख के रखता हूँ पहले ताकि आपको क्लियर रहे। H+ किसके कंबाइन होगा, CO3-2- के साथ। नेगेटिव चार्ज 2 है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। ये यहाँ पे बनेगा H2CO3, लेकिन H2CO3 ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, तो यहाँ पे दो चीज बनेगा,
एक इधर बनेगा वाटर, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा CO2। ओके सेम गोस यहाँ पे, इधर दिया गया दैट इज Na2CO3। इसके रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक रहने वाला Na+, दूसरा यहाँ पे रहेगा CO3 2-। यहाँ पे कौन से आयंस रहेंगे H+, दूसरा यहाँ पे रहेगा SO4 2-। ओके हमें बस प्रोडक्ट्स पहचानने को आना चाहिए। Na+ किसके कंबाइन होगा SO4 2- के साथ। ओके कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे क्या होगा Na2SO कितना होगा, 4। H+ किसके कंबाइन होगा CO3 2- के साथ। नेगेटिव चार्ज 2 है तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा H2CO3। H2CO3 आपको मालूम है अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2O एंड क्या बनने वाला है CO2। नेक्स्ट यहाँ पे CaCO3 दिया है, इसका रिएक्ट करेगा दैट इज HNO3 के साथ। सेम चीज आपको क्या करना है, डिसोसिएशन करना है। यहाँ पे क्या होगा Ca2+, इधर क्या होगा CO3 2-। इधर रहेगा H+, इधर रहेगा NO3-। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे बनेगा Ca2+, इधर क्या होगा NO3-। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे बनेगा CaNO3, और ये यहाँ पे कितना रहेगा दैट इज 2। H+ किसका कंबाइन होगा दैट इज CO3 2- के साथ, तो यहाँ पे H+ कितना रहना चाहिए, 2, तो यहाँ पे ये बनेगा H2CO3। H2CO3 इज क्वाइट अनस्टेबल, तो यहाँ पे बनेगा H2O एंड क्या होगा CO2। लास्ट यहाँ पे इधर आएगा K2CO3, इधर आने वाला दैट इज H2SO4। कौन से दो आयन्स रहेंगे, एक यहाँ पे रहेगा K+, दूसरा यहाँ पे रहेगा CO3 2-। एक यहाँ पे रहेगा H+, दूसरा यहाँ पे रहेगा SO4 2-। पॉजिटिव जाएगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे रहेगा K+ एंड इधर क्या रहने वाला है SO4 2-। टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे होगा K2, इधर आएगा SO4। नेक्स्ट H+ कंबाइन होगा किसके साथ, CO3 2- के साथ। टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। H2CO3 आपको मालूम है अनस्टेबल रहता है, तो यहाँ पे ये यह बनेगा H2O एंड दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज CO2। अब करते इनका बैलेंसिंग। यहाँ पे पहले मेटल से स्टार्ट करना, सोडियम कितना है यहाँ पे, 2। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। फिर नॉन मेटल, इधर दो नॉन मेटल से हम लोग क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, इसके लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना होगा, 2। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन विथ मेटल, सोडियम कितना है, 2। यहाँ पे भी सोडियम कितना है, 2। नेक्स्ट नॉन मेटल, सल्फर से स्टार्ट करना, सल्फर कितना है यहाँ पे, 1। यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 1। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। नेक्स्ट यहाँ पे मेटल कौन है, कैल्शियम, 1। कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 से। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे सॉरी क्या कार्बन है, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। नेक्स्ट जाना है आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 1 2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना है, 2। तो दोनों साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 2 आ रहा है, तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पहले मेटल से, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, इधर भी पोटेशियम कितना है, 2। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन यहाँ पे 1 है, इधर कार्बन यहाँ पे कितना है, 1। नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर से चालू करना था, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2।
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? दो। तो रिएक्शन पूरा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। लास्ट टाइप का रिएक्शन यहाँ पे क्या दिए? NaHCO3। यहाँ पे इसको हम लोग क्या किसे रिएक्ट कर रहे? HCl के साथ। आयन्स एक कौन रहेगा? एक रहेगा Na+, दूसरा यहाँ पे रहेगा HCO3-, एक यहाँ पे रहेगा H+, दूसरा इधर रहेगा Cl-। होगा क्या? पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे हुआ क्या? दूसरा कौन यहाँ पे रहेगा? H+ कंबाइन होगा किसके साथ? HCO3-। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे बनने वाला है H2CO3। यहाँ पे कौन सा गैस बनने वाला है? वाटर। एंड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? दैट इज KHCO3। किसका कंबाइन होगा? HNO3 के साथ। ओके, तो यहाँ पे कौन से दो आयन्स बनेंगे? एक यहाँ पे बनेगा K+, दूसरा यहाँ पे बनेगा HCO3-। एक यहाँ पे बनेगा H+, दूसरा यहाँ पे बनेगा NO3-। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे होगा K+ और यहाँ पे होगा NO3-। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? KNO3। यहाँ पे H+ कंबाइन होगा किसके साथ? HCO3- के साथ। तो यहाँ पे आपको मालूम है क्या बनने वाला है? H2CO3। कौन से दो आयन्स बनेंगे? एक यहाँ पे बनेगा H2O, दूसरा यहाँ पे क्या बनने वाला है? CO2। लास्ट पार्ट यहाँ पे NaHCO3, इधर जो रहेगा वो रहेगा CH3COOH। ओके, कौन से दो आयन्स आएंगे? यहाँ पे रहेगा Na+, दूसरा यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहेगा बाइकार्बोनेट। इधर दो आयन्स, एक रहेगा CH3CO- एसिटेट, दूसरा यहाँ पे रहेगा H+। ओके, अब आपको पता है क्या होगा? Na+ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे बनेगा CH3CO- और सॉरी, इधर CH3CO- आएगा, इधर आएगा Na+। बेसिकली यहाँ पे ये बन रहा है सॉल्ट। आपको मालूम है ये दोनों कंबाइन जब हो गए तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये बनने वाला है यहाँ पे H2CO3। ये आपको मालूम है अनस्टेबल रहता है, यहाँ पे बनेगा H2O एंड क्या बनेगा? CO2। ठीक है, ये रिएक्शन अपने आप में क्या होता है? बैलेंस ऑफ हो जाता है, तो आपको इसको बैलेंसिंग करने का सेपरेटली जरूरत है। आई होप आप ये कर पाओगे खुद से। इवन अगर आपको, लेट से मैंने अभी ये तो मैंने बॉक्स कैसे फिल करना सिखाया नहीं, तो आप आयंस को यूज करके आप बना पाओगे। आई होप आप ये कर पाओगे करके। आई होप यहाँ तक आपको ये पार्ट्स अच्छे से क्लियर है कैसे करना है करके। अब जाते, दैट इज जो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स है उस पे जाते। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला क्या गया है? NaOH को हमने ऐड किया है HCl के साथ। अब हम लोग सारे जो लॉजिक हमने यूज किया वो सॉल्यूशन बोला है, तो कौन से स्टेट में रहेगा ये? एक्वेस। सॉल्यूशन रहेगा कौन से स्टेट में? रहेगा एक्वेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सारे आयंस को, ये एग्जाम में आप पेंसिल से ये हमेशा लिख लेना। इधर आएगा OH-, यहाँ पे होगा H+, इधर होगा Cl-। एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट रहेगा ये रहेगा Na+ Cl-, यहाँ पे रहेगा H+ और इधर होगा OH-। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बनने वाला है वो आएगा NaCl, दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दैट इज क्या? वाटर। सॉल्ट जब क्या होता है? प्रोडक्ट के साइड में रहता है। कौन से स्टेट में रहता है? एक्वस। वाटर कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट, जिंक डस्ट जो है ये तो ऑफकोर्स जिंक का बना रहेगा। ऐड किससे किया है? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट है मतलब ये पानी में मिक्स्ड है, पानी में मिक्स्ड है मतलब ये क्या रहेगा? एक्वस। जिंक जो रहेगा ये कौन से स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। ओके, ये कौन सा रिएक्शन है? मेटल विथ एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? ये तो आपको आने दो स्टेप, दो तीन स्टेप प्रोसेस है। जिंक तो Zn रहेगा, ये यहाँ पे क्या होगा? H+, इधर क्या होगा? SO4-2-। जो H+ है वो क्या होगा? H+ के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या बनेगा? दैट इज H2। जो दो पॉजिटिव चार्ज है
किसको मिलेगा, दैट इज जिंक को, जिसे जिंक पड़ेगा Zn2+। यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कौन सा गैस रहने वाला है, हाइड्रोजन गैस रहेगा। दूसरा Zn2+ किसके कंबाइन होगा, ZnSO4 के साथ, तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4। चार्जेस बैलेंस एक ही नहीं चेक करते, यहाँ पे Zn का चार्ज 2 पॉजिटिव, SO4 का चार्ज यहाँ पे क्या 2 नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे, बैलेंस आउट कर पा रहे हैं। आपको जनरल रिएक्शन मेन पता रहना चाहिए, मेटल एंड एसिड क्या बनाता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। दिस विल मेक क्या, दैट इज सॉल्ट, एंड कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट मतलब इसको पानी के साथ मिक्स किया गया है, कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस। ऐड किसके किया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। ओके, आयंस क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा H+, दूसरा रहेगा NO3-, यहाँ पे क्या रहेगा, कैल्शियम 2+, और इधर रहेगा ऑक्साइड 2-। पॉजिटिव आपको मालूम है एसिड, मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, एसिड एंड बेस क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे Ca2+ NO3 क्या कंबाइन होगा, तो यहाँ पे Ca2+, इधर आएगा NO3-। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे होगा CaNO3, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। O2- किसका कंबाइन होगा, यहाँ पे H+ के साथ, कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, तो कितना पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, 2। ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, दैट इज वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। CO2 ऑफकोर्स कौन से फॉर्म में रहेगा, गैस। क्या है ये, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, किसके रिएक्ट कर रहा है, KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। सॉल्यूशन है इसका मतलब कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस स्टेट में। ओके, CO2 तो आपको मालूम है कौन से स्टेट रहेगा, CO2 के स्टेट में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट होगा, K+, ये रहेगा यहाँ पे OH-। OH- आपको मालूम है सेल्फ आयनाइज करेगा यहाँ पे खुद के साथ। OH- सेल्फ आयनाइज होने की वजह से यहाँ पे फॉर्म होता है H2O, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, O2- ऑक्साइड आयन। यही जो ऑक्साइड आयन है ये ऐड होगा किसके साथ, CO2 के साथ, तो यहाँ पे बनेगा CO2+, यहाँ पे क्या रहेगा, O2-। ऐड होके आपको मालूम है क्या बनेगा यहाँ पे, CO3-। ये CO3-, किसके कंबाइन होगा यहाँ पे, K+ के साथ, यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज सॉरी इधर पहले लिख के रखता हूँ, K+, और यहाँ पे होगा CO3-। टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे बनेगा K2CO3। फिर नेक्स्ट आपको मालूम है क्या बना था यहाँ पे, वाटर। तो इधर भी यहाँ पे क्या बनने वाला है, वाटर। ये जो सॉल्ट है एक्वस स्टेट में रहेगा, वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। ये भी किस में रहने वाला है, एक्वस, क्योंकि सॉल्ट पानी में बन रहा है, एंड ये क्या रहेगा, दैट इज लिक्विड स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डाइल्यूट HCl को हमने ऐड किया किसके साथ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऑफकोर्स ये तो क्वाइट इजी रिएक्शन है, H+ आएगा, इधर आएगा Cl-, यहाँ पे रहेगा Na+, इधर आएगा HCO3-। नेक्स्ट पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे बनेगा Na+, और इधर आएगा Cl-, तो यहाँ पे बनने वाला है NaCl। नेक्स्ट H+ किसके कंबाइन होगा, HCO3- के साथ, तो ये तो पता है क्या बनने वाला है, H2CO3। अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल रहने की वजह से यहाँ पे बनेगा H2O, एंड क्या बनेगा, CO2। ये कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस। ये कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड। CO2 कौन से फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में। ये यहाँ पे सॉल्ट है, तो S रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ये डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट मतलब ये पानी में मिक्स्ड है, तो ये कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। इसी के साथ हम लोग यहाँ का लेक्चर आज के लिए एंड करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे रिलेटेड टू सॉल्ट्स न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन नहीं, गलती हुआ, हम लोग सॉल्ट्स करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड वाटर और क्रिस्टलाइजेशन. तो इससे हम लोग का ये जो चैप्टर है ये क्या होगा, पूरा का पूरा फिनिश ऑफ हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.